हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का अपने एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास इलेवेंथ के इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड लेसन, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। ये लेसन लिखा गया है देवराय कौली के द्वारा। फ्रेंड्स, यह लेसन जो है शारीरिक रूप से अपंग लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है। इस लेसन में लेखक दिखाता है कि अपाहिज लोगों को अपने जीवन में किस प्रकार से कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनमें से अधिकतर लोग तो अपने भाग्य के साथ समझौता कर लेते हैं, वे अपनी अपंगता को स्वीकार कर लेते हैं और भीख मांगने या कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कई व्यक्ति अपाहिज होते हुए भी हिम्मत नहीं हारते हैं, वे कठिन संघर्ष करते हैं, वे इसके खिलाफ मजबूती से लड़ते हैं और जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। उनके लिए अपंगहीनता एक अभिशाप नहीं है, बल्कि एक वरदान है। एक 11 वर्ष की छोटी बच्ची, जिसका नाम एवेलिन ग्लेनी है, करे उसकी सुनने की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह कठोर परिश्रम करती है और संगीत सीखती है। यह संसार की सबसे प्रसिद्ध संगीत स्टार बन जाती है। वह अपंग लोगों के लिए एक प्रेरणा पुंज बन जाती है। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। ऑथर का नाम है देवराय कौली। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि देवराय कौली से राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। कह रहा है कि जो देवराय है, देवराय कौली है, एक राइटर है एंड ब्रॉडकास्टर है। ब्रॉडकास्टर मतलब प्रसारक। यहाँ ब्रॉडकास्टर मतलब है जो रेडियो पे जो व्यक्ति प्रसारण करते हैं उसको ब्रॉडकास्टर बोलते हैं। कह रहा है कि सी रोट मोर देन 100 आर्टिकल्स फॉर द रीडर्स डाइजेस्ट। कह रहा है कि सिरोट मोर देन 100 आर्टिकल्स, उन्होंने 100 से ऊपर आर्टिकल लिखे हैं फॉर द रीडर्स डाइजेस्ट। कह रहा है कि अपने पाठकों के लिए, पाठकों को पढ़ने के लिए उन्होंने 100 से अधिक आर्टिकल लिखे हैं। अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफर हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफर, कह रहा है कि उनकी जो है, उनकी ढेर सारी आर्टिकल हैव बीन ट्रांसलेटेड, इसको ट्रांसलेट किया गया है इनटू डजन्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की दर्जनों भाषाओं में। उनकी जो है, उनकी ढेर सारी आर्टिकल्स को संसार के दर्जनों जो है भाषाओं में उनको ट्रांसलेट किया गया है। सी लव्स ट्रेवलिंग, उन्हें यात्रा पसंद है। एंड हैज ट्रेवल्ड अलॉट, और उन्होंने काफी यात्रा किया है। सी हैज बीन एन एयर ब्रॉडकास्टर फॉर सीबीसी रेडियो इन वॉशिंगटन डीसी। कह रहा है कि वह जो है एक एयर ब्रॉड करा कि वह जो है वाशिंगटन डीसी में सीबीसी रेडियो के लिए एयर ब्रॉडकास्टर भी रही हैं, जो रेडियो पे जो है जो कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं, जो बोलते हैं उनको एयर ब्रॉडकास्टर बोला जाता है। तो वही करा कि वह वाशिंगटन डीसी के जो सीबीसी रेडियो है उसके ब्रॉडकास्टर भी रह चुकी हैं। सी हैज ऑल्सो वर्क्ड फॉर सीबीसी टेलीविजन, वह सीबीसी टेलीविजन के लिए भी काम कर चुकी है। अब आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन यहां से स्टार्ट है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि रस आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कह रहा है कि रस आवर क्राउड मतलब अपार भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ या अपार भीड़। कह रहा है कि जॉस्टल धक्का मुक्की कर रही थी फॉर पोजिशन, स्थान पाने के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कह रहा है कि भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, कह रहा है कि भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर एक अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। इसका कहने मतलब यह है कि वो उस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर, जो छोटी दिख रही थी देन हर 17 ईयर्स, 17 वर्ष की उम्र से, एक दुबली पतली लड़की 17 वर्ष की उम्र से छोटी दिख रही थी। वास नर्वस, वह घबराई हुई थी। एट, फिर भी एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट, जब उसने महसूस किया दी वाइब्रेशन, कंपन को, किसी कंपन को, करे ऑफ दी अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन की, जब आती हुई ट्रेन के कंपन को उसने महसूस किया तो वह जो है घबराई तो थी लेकिन वह उत्तेजित भी हुई। इट वॉज हर फर्स्ट डे, करे यह उसका प्रथम दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। कह रहा है कि लंदन में प्रेस्टिजियस, कह रहा है कि विख्यात
रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, यह एक संगीत से संबंधित संस्था है, उसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो है संगीत से संबंधित एक प्रेस्टिजियस संस्था है, उसका यह नाम है। तो वही कह रहा है कि इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका प्रथम दिन था, कहां पे करे एट द प्रेस्टिजियस, करे कि सम्मानित या विख्यात या बहुत चर्चित भी कह सकते हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, करे लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, एंड डॉन्टिंग एनफ, करे कि और यह बहुत भयावह था, करे और यह पर्याप्त भयावह था फॉर एनी टीनेजर, करे कि फॉर एनी टीनेजर, करे किसी भी किशोरी के लिए, फ्रेश, करे कि किसी भी नई किशोरी के लिए, फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटिश फॉर्म मतलब स्कॉटलैंड, करे कि स्कॉटलैंड से आई हुई किसी भी किशोरी के लिए यह पर्याप्त भयावह था। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था और वह स्कॉटिश फॉर्म से आई तरुणी मतलब किशोरी काफी डरी हुई थी। करे कि बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, इसमें कह रहा है कि बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यहां एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब एस्पायर मीन्स इच्छा करना होता है, म्यूजिशियन मीन्स संगीत, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब है कि संगीतक बनने की इच्छा ली हुई, कह रहा है कि संगीतक बनने की इच्छा ली हुए उस कह रहा है कि उस संगीतक ने फेस्ड बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़े चुनौती, कह रहा है बिगर चैलेंज मतलब अधिक बड़े चुनौती का सामना करना पड़ा, देन मोस्ट अधिकांश लोगों की अपेक्षा, कह रहा है कि वह लड़की कह रहा है बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह जो है संगीतक बनने की इच्छा ली हुई वह लड़की जो है उस लड़की को फेस्ड सामना करना पड़ा बिगर चैलेंज, कहीं अधिक चुनौती का, देन मोस्ट अधिकांश लोगों की अपेक्षा, क्योंकि जो और लोग आए थे वह सामान्य लोग थे, उनके वह जो है कोई शारीरिक अपंगता नहीं थी, लेकिन यह लड़की कान से सुन ही नहीं सकती और संगीत तो केवल सुनने वाली चीज है, बिना सुने जो है संगीत में दक्षता हासिल करना असंभव है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इस लड़की ने असंभव को भी संभव करके दिखाया। कह रहा है कि सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, कह रहा है कि वह क्या थी, प्रोफाउंडली डीप, पूरी तरीके से बधिर थी, बहरी थी, उसको सुनाई नहीं देता था। एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग, कह रहा है कि एवलिन ग्लेनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग थी मतलब उसके सुनने की शक्ति जो छीड़ हो रही थी, समाप्त हो रही थी, हैड बीन ग्रेजुअल, वह धीरे धीरे हो रही थी, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। इसमें कह रहा है कि एवलिन ग्लेनी की जो हियरिंग थी, जो सुनने की शक्ति थी, वो धीरे धीरे लॉस हो रही थी। हर मदर रिमेम्बर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटसिंग, जब उसने नोटसिंग समझी, जब उसने कुछ ध्यान दिया, कह रहा है कि नोटसिंग, जब उसने ध्यान दिया कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ न कुछ गड़बड़ है या कुछ न कुछ गलत है, वेन द कह रहा है कि जब द 8 ईयर ओल्ड एवलिन, जब 8 साल की एवलिन वॉज वेटिंग, इंतजार कर रही थी टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए, जब 8 वर्ष की एवलिन जो है पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, तो उन्होंने उनका नाम पुकारा, एंड सी डिड नॉट मूव, और वह हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि सी हैड नॉट हर्ड, कि उसने सुना नहीं, से इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कहती हैं कि फॉर ए क्वाइट वाइल, कुछ समय के लिए एवलिन मैनेज्ड टू कॉन्सिल, कॉन्सिलमेंट छिपाना, मैनेजिंग व्यवस्था करना, कह रहा कि फॉर क्वाइट वाइल, कुछ समय तक एवलिन मैनेज्ड टू कॉन्सिल हर ग्रोइंग डिफनेस, ग्रोइंग डिफनेस मतलब बढ़ता हुआ बहरापन, कह रहा कि कुछ समय तक एवलिन ग्लेनी जो है अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने की व्यवस्था करने में सफल रही, या अपने बहरेपन को छुपा सकी, फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से, एंड टीचर्स, और अपने अध्यापकों से, बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय तक सीवास, कह रहा है कि बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय सीवास 11, जब वह 11 वर्ष की हो गई अर्थात उसके 11 वर्ष के होने तक हर मार्क्स, उसके जो चिन्ह थे या उसके जो लक्षण थे, हैड डेटेरेटेड, कह रहा है कि वह और अधिक बिगड़ गए, एंड हर हेडमिस्ट्रेस और उनकी मुख्य अध्यापिका ने अर्स्ट प्रार्थना किया हर पेरेंट्स, उनके माता पिता से, टू टेक हर, कि उसे ले जाने के लिए टू अ स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की प्रार्थना किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, करा कि तब पता लगा, दैट कि
हर हियरिंग की उसकी जो सुनने की शक्ति है वह सीवियरली इम्पेयर्ड, वह काफी जो है सीवियरली गंभीरता से इम्पेयर्ड, वह असमर्थ हो चुकी है या छीण हो चुकी है। इम्पेयर मतलब छीण होना, करा कि तब उन्हें पता चला कि जो उसकी हियरिंग है, जो सुनने की शक्ति, वह छीण हो चुकी है एज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। करा कि धीरे धीरे नर्व डैमेज, नसों के खराब होने के परिणाम स्वरूप। मैं फिर बता दूं, करा कि इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब यह पता चला दैट की हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हियरिंग है, सुनने की शक्ति है, वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, करा कि वह काफी छीण हो चुकी है। एज रिएक्ट परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, करा कि आप ग्रेजुअल नर्व डैमेज, करा कि धीरे धीरे नसों के नष्ट होने के कारण। देवर एडवाइज्ड, करा कि उनको सलाह दिया गया दैट की सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसे जो है फिटेड विथ हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स का मतलब होता है सुनने का यंत्र, श्रवण यंत्र। करा कि उन्हें सलाह दिया गया कि वे जो है वे सुनने के यंत्र को लगवा ले, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बहरे लोगों के स्कूल में उनको भेज दिया जाए, उन्हें सलाह दिया गया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, करा कि सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा। सेज एवलिंग, एवलिंग कहती है सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा, इसका मतलब यह है कि बहुत ही घोर निराशा छा गई। यहां जो हियरिंग एड्स है, इसका मतलब होता है श्रवण सहायक यंत्र, श्रवण सहायक यंत्र, ऐसे यंत्र जो सुनने में सहायक हो। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वह हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप माने त्याग करना, छोड़ना होता है, मतलब यहां पर हार मानना, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड, उन्होंने निश्चय कर लिया था टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ मतलब एक सामान्य जीवन व्यतीत करेंगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, इसमें कह रहा है कि सी वॉज डिटरमाइंड, उन्होंने वह निर्णय कर चुकी थी टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने का। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में अपनी रुचि को बनाए रखने का उन्होंने निर्णय कर चुका था। बट कह रहा है कि वन डे, एक दिन सी नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया कि अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन, कि एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और एवलिन ने निर्णय किया दैट की सी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकांश टीचर ने उसे हतोत्साहित किया। बट लेकिन परकॉशनिस्ट, लेकिन एक तालवादन रॉन फोप्स उनका नाम है, एक तालवादक, परकॉशनिस्ट मतलब होता है तालवादक, रॉन फोप्स ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, करा कि उनके अंदर संभावना को देखा। यहाँ स्पॉटेड मतलब यहाँ साथ से है, देखा हर पोटेंशियल मतलब संभावना, उनके अंदर संभावना को देखा कि नहीं, लेकिन रॉन फोप्स ने देखा कि नहीं, यह जो है यह इसको बजा सकती है ज़ाइलोफोन को। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लॉज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट, कह रहा है कि उन्होंने इसका आरंभ किया बाय ट्यूनिंग टू लॉज ड्रम, दो बड़े बड़े ड्रम को ट्यून करके टू डिफरेंट नोट, कह रहा है भिन्न भिन्न स्वरों पर, उन्होंने जो है इस दो बड़े ड्रम को भिन्न भिन्न स्वरों पर बजा करके इसका आरंभ किया। उन्होंने कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वह कहते थे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट, इसे अनुभूत करो सम अदर वे, दूसरे तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि सडनली अचानक आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती हूं द हाई ड्रम, जो ऊंचा ड्रम है, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर से। उन्होंने अचानक महसूस किया कि मैं जो ऊंचा ड्रम है उसको अपने कमर के ऊपर से महसूस कर सकती हूँ। एंड द लोअर, और जो नीचा ड्रम है, एंड द लोअर वन और जो नीचा ड्रम है फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अपने कमर के नीचे से उसको महसूस कर सकती हूँ। फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोप्स ने इस अभ्यास को दोहराया, रिपीट किया। एंड सून, और जल्द ही एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन जो है जान गई, या एवलिन ने पता लगा लिया दैट की सी कुड सेंस, कि वह अनुभूत कर सकती हैं सर्टेन नोट्स, निश्चित स्वरों को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से। कह रहा है कि उन्होंने पता लगा लिया कि वह जो है
कुछ निश्चित स्वरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, वो कह रही है कि आई हैड लर्न, मैं सीख चुकी थी टू ओपन माई माइंड, अपने मस्तिष्क को खुला रखना एंड बॉडी और अपने शरीर को खुला रखना टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, कह रहा है कि ध्वनियों और कंपन के प्रति, वह कह रही है कि मैं जो है अपने मस्तिष्क और शरीर को ध्वनियों और कंपन के प्रति खुला रखना सीख चुकी थी। द रेस्ट वॉज सियर डिटर्मिनेशन, और जो शेष चीजें थी वो था सियर डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय एंड हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, क्रैक की उस पॉइंट से मतलब उस बिंदु से उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा, अर्थात करा कि सी नेवर लुक्ड बैक, उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, करा तब से, तब जो है उस बिंदु से मतलब जहां पर वह पहुंच चुकी थी उस पर फिर पीछे नहीं देखा, मतलब वो आगे ही देखती गई, मतलब वो आगे ही बढ़ती गई। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, उनका टूर किया विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, एंड बाय द टाइम सी वाज 16, और उस समय तक जब वह 16 साल की हुई, सी हैड डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कह रहा कि संगीत को अपना जीवन बनाने का, जब वह 16 साल की हुई तो उन्होंने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया। सी ऑडिशन, उन्होंने ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, कह रहा कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, यह जो है संगीत की संस्था है जिसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड, और उन्होंने प्राप्त किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, कह रहा है कि एकेडमी के इतिहास में कराया कि सर्वोच्च अंकों में से एक कराया कि एक उन्होंने प्राप्त किया, इसका मतलब जितने भी अधिक अभी तक सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे जितने लोग, उनमें से वह भी एक हो, वह जो है वह भी एक हो गई अधिक अंक प्राप्त करने वाली। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, कह रहा कि वह जो है धीरे धीरे उन्होंने रुख किया फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, कह रहा कि ऑर्केस्ट्रा के कार्य की ओर, कार्य की तरफ से उन्होंने रुख किया किधर, करेक्ट टू सोलो परफॉर्मेंस, करेक्ट कि एकल प्रदर्शन की तरफ, अर्थात ऑर्केस्ट्रा में ग्रुप में काम किया जाता था तो ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर वो जो है धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ने लगी, मतलब उन्होंने अकेले परफॉर्मेंस करने का निर्णय किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, करेक्ट कि अपने 3 साल के कोर्स की समाप्ति पर सी हैड कैप्चर्ड, वह कब्जा जमा चुकी थी मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, सबसे बड़े बड़े पुरस्कारों पर, अपने 3 साल के कोर्स समाप्त होने तक वह सबसे बड़े बड़े पुरस्कारों पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट, एवलिन ने कोई भी संकेत स्वीकार नहीं किया आप हेरोइक अचीवमेंट, कह रहा कि वीरता की उपलब्धि का, इन सब के लिए एवलिन ने वीरता की उपलब्धि का कोई संकेत प्राप्त नहीं किया या कोई संकेत स्वीकार नहीं किया। इफ यू वर्क, यदि वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करते हैं, एंड नो, और आप जानते हैं वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहां जा रहे हैं, तो यू शैल गेट देयर, तो आप वहां पहुंच जाते हैं। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह जो है शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड मोस्ट सॉट, करे कि संसार की सबसे इच्छित वस्तु उन्हें प्राप्त हो चुकी थी, कब, करे कि आफ्टर मल्टी प्रकॉशनिस्ट, करे कि तालवादक बनने, यहां मल्टी लिखा है, मल्टी मतलब वह विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजा सकती थी, ठीक है, तो वही कह रहा है कि एंड्स सी गॉट राइट टू द टॉप, और शिखर पर पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट, करे संसार की सबसे इच्छित वस्तुओं को प्राप्त हुई, कब, करे आफ्टर मल्टी प्रकॉशनिस्ट, करे कि तालवादक बनने के बाद विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, करे कि हजारों यंत्रों पर दक्षता प्राप्त करने के साथ, अर्थात हजारों यंत्रों पर दक्षता प्राप्त करने के साथ तालवादक बनने के बाद जो है उन्हें सबसे इच्छित वस्तु प्राप्त हो चुकी थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और करें एंड हेक्टिक और व्यस्त इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल कार्यक्रमों को प्राप्त कर, अगर मैं फिर से यहां से बताऊं थोड़ा सा ये कठिन है, यहां से देखिए, करा कि एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट, करा कि संसार की सबसे इच्छित वस्तु प्राप्त किया उन्होंने, कब प्राप्त किया, करा कि आफ्टर मल्टी प्रकॉशनिस्ट, करा कि तालवादक बनने के बाद,
विथ अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, कह रहा है कि हजारों यंत्रों पर दक्षता प्राप्त करने के साथ, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्राप्त करने के बाद। इसमें कह रहा है कि इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इसमें कह रहा है कि एवेलिन को न सुनने के बावजूद पूरे प्रयास से कार्य करते देखना मन को मोह लेने वाला था। फिर से बता दूं, कह रहा है इट इज इंट्रीगिंग, कह रहा है कि यह बड़ा मनमोहक था। टू वॉच एवेलिन, एवेलिन को देख, टू वॉच एवेलिन फंक्शन, एवेलिन के कार्य को देखना सो एफर्टलेसली, मतलब इतने प्रयास पूर्ण तरीके से, मतलब इतना प्रयास करते हुए, विदाउट हियरिंग, बिना सुने, मतलब एलिन सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वह सीखने के लिए वो इतना प्रयास कर रही थी, उसे इस कार्य को देखना बहुत मनमोहक लग रहा था। इन आवर टू आवर डिस्कशन, कह रहा कि हमारे दो घंटे के डिस्कशन में, हमारे दो घंटे की चर्चा में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं छोड़ा, अर्थात तो उसने एक एक शब्द को सुना। मैन, कह रहा कि एवेलिन ने कहा कि मैन विद बुशी बियर्ड, कह रहा कि झबरेदार दाढ़ी वाले लोग गिव मी ट्रबल, मुझे कष्ट देते हैं, उसका मतलब कि झबरेदार दाढ़ी वाले लोगों से मुझे कष्ट होता है। सी लाफ्ड, वो हंसी, मतलब हंसी मजाक में ऐसा कहा। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कह रहा है कि यह केवल होंठ देखना नहीं होता है, इसमें केवल होंठ ही देखना नहीं होता है, इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा होता है, कह रहा है कि स्पेशली, विशेष रूप से, दी आईज, आंखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह प्रवाहपूर्ण ढंग से बोल रही थी, या फ्लॉलेस मतलब त्रुटि रहित, कह रहा है कि सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह त्रुटि रहित बोल रही थी विथ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश मतलब स्कॉटिश लहजे में, कह रहा है कि वह स्कॉटिश लहजे में त्रुटिपूर्ण तरीके से, या सॉरी त्रुटि रहित तरीके से बोल रही थी। स्कॉटिश लहजे मतलब जो स्कॉटलैंड के लोग जैसे बोलते हैं। माई स्पीच इज क्लियर, उसने कहा कि मेरी आवाज क्लियर है, स्पष्ट है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की थी, मतलब 11 साल तक मैं सुन सकती थी। सी सेज, उसने कहा, वह कहती है कि बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, करे कि लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने कैसे फ्रेंच सीखी, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और प्राथमिक जापानी सीखी, करे लेकिन इससे नहीं ये पता नहीं चलता कि वो फ्रेंच कैसे सीखी, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और प्राथमिक जापानी भाषा सीखी। एज फॉर म्यूजिक, जहां तक संगीत की बात है, सिक्स प्लेन्स, वह समझाती हैं, इट पर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कह कि इट पर्स, यह प्रवेश करता है इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कह रहा कि मेरे शरीर के हर भाग से, या मेरे शरीर के हर भाग से प्रवेश करता है। कह कि टिंगल्स इन द स्किन, कह कि त्वचा में झंझनाहट पैदा करता है, टिंगल में झंझनाहट पैदा करना। माई चिक बोन्स, कह रहा कि मेरे गाल की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और यहां तक कि मेरे बालों में भी। वेन सी प्लेस द जैलोफोन, जब वह जैलोफोन बजाती हैं, सी कैन सेंस, तो वह अनुभूत कर सकती हैं द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इन टू अवर फिंगर टिप्स, कह रहा है वेन सी प्लेस द जैलोफोन, जब वह जैलोफोन बजाती हैं, सी कैन सेंस द साउंड, तो वह उस ध्वनि को अनुभूत कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, पासिंग ऑफ, जो गुजरता है, द स्टिक, छड़ी से होते हुए, इन टू हर फिंगर टिप, उनके उंगली के पोरों तक। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, कह रहा है कि ड्रम पर झुके हुए, लीन मीन्स झुकना होता है, लीन मीन्स झुकना, कह रहे ड्रम पर झुके हुए, सी कैन फील, वो महसूस कर सकती हैं द रेजोनेंसेस, रेजोनेंस मतलब होता है गुंजन, रेजोनेंस मतलब गुंजन, कह रहा है कि ड्रम पर झुके हुए, सी कैन फील द रेजोनेंस, वह गुंजन को महसूस कर सकती हैं, फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, जो उनके शरीर में बहता है, मतलब अपने शरीर में बहते हुए गुंजन को वह महसूस कर सकती हैं जब वह ड्रम बजाती हैं। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को निकाल देती हैं या हटा देती हैं, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन, ताकि कंपन जो है पास थ्रू हर बेयर फीट, उनके नंगे पैरों से होते हुए, एंड ऑफ हर लेग्स, उनके उनके जो है पैरों में, उनके पैरों से गुजरे। इसमें यह कह रहा है कि लकड़ी के चबूतरे पर वह अपने जूते इसलिए उतार देती हैं ताकि कंपन उनके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके। कह रहा है कि नॉट सरप्राइजिंगली, कह रहा है कि आश्चर्य वाली बात नहीं है, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, डिलाइट मीन होता है आनंदित करना, और ऑडियंस में श्रोतागण,
रकी एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती हैं। इन 1991 करे कि 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड, उन्हें प्रदान किया गया विद द रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी, करे कि रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया गया, क्या प्रदान किया गया, करे प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर अवार्ड, करे कि वर्ष का सबसे सम्मानित एकल वादन पुरस्कार। इसमें कह रहे हैं कि 1991 में उन्हें जो है फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक का पुरस्कार प्रदान किया गया। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि इन 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड, उन्हें प्रदान किया गया विद द रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी, ये एक संस्था का नाम है, ठीक है। कह रहे हैं कि रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा प्रेस्टिजियस, करे कि सम्मानित, सोलिस का मतलब एकल, एकल 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 वादक, सोलिस मतलब एकल वादक, ऑफ द ईयर अवार्ड, करे कि वर्ष का एकल वादक का पुरस्कार, सबसे सम्मानित एकल वादक का पुरस्कार जो है रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा उनको प्रदान किया गया। जो व्यक्ति अकेले कोई काम करता है तो उसके लिए सोलो का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है कि सेस मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, करे कि सेस कहते हैं मास्टर परकशनिस्ट, करे कि कुशल जो है तालवादक जेम्स ब्लेड, सगन मतलब है कि कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता ले ली, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने वापस उन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया, मतलब कोई असाधारण चीज दी, भगवान ने उनसे उनकी सुनने की शक्ति ले ली लेकिन उन्हें जो है कोई असाधारण चीज वापस कर दी। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, कह रहा है कि जो हम लोग सुनते हैं सी फील्स, वह महसूस करती है, मतलब कि हम अपने कानों सुनते लेकिन वह चीजों क्या करती है, महसूस करती है। फार मोर डीपली, कहीं 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 अधिक गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हमें से, मतलब हमें से हम लोगों के अपेक्षा जो है वह जो है हम लोग जो सुनते हैं उनसे कहीं अधिक वो जो है महसूस करती है। दैट इज वाई, करे कि यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, करे कि यही कारण है कि वह संगीत को इतना सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, और ब्यूटीफुली मतलब सुंदर तरीके से। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन स्वीकार करती हैं, कॉन्फेस में स्वीकार करना, दैट की सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, वर्कहोलिक मतलब काम का आदि होना, वर्कहोलिक मतलब काम का आदि होना। तो एवलिन स्वीकार करती है कि वह एक प्रकार की काम की आदि, मतलब उन्हें काम करने की आदत है, मतलब या वह काम में डूबी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कहती आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना है, ऑफन सॉरी आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, ऑफन प्राय जो है हार्डर, ज्यादा कठिन काम करना पड़ता है देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कह रहा है कि शास्त्रीय संगीतज्ञों की अपेक्षा, वो कह रहे हैं कि मुझे शास्त्रीय संगीतज्ञों की अपेक्षा ज्यादा कठिन काम करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि और बाकी लोग जो है वो कानों से अपने सुन सकते हैं लेकिन उनके पास कान की सुनने की शक्ति नहीं है, उन्हें अपने शरीर के प्रत्येक अंग से महसूस करना पड़ता है, इसलिए उनका काम जो है ज्यादा कठिन है। करे बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, करे कि लेकिन पुरस्कार जो है इनॉर्मस, बहुत बड़ा है, तो करे पुरस्कार बड़ा है या पुरस्कार अत्यधिक है। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, करे कि नियमित कंसर्ट संगीत प्रदर्शनों से अलग, करे कि अपार्ट अलग फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, एवलिन जो है एक मुफ्त जो है संगीत प्रदर्शन देती हैं इन प्रिजन जेलों में एंड हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में, एवलिन जो है हॉस्पिटल और प्रिजन में जो है फ्री कंसर्ट्स करती है, मतलब मुफ्त संगीत प्रदर्शन देती है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वह उच्च प्राथमिकता देती हैं टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, कह रहा है कि युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को, वह युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को जो है वह उच्च प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोन फंड फॉर डीप चिल्ड्रेन सेस, करा कि एंड रिचलिन ऑफ द बिथोन फंड मतलब बिथोन कोर्स फॉर डीप चिल्ड्रेन, करा कि बहरे बच्चों के लिए जो बिथोन फंड है, बिथोन कोर्स है, ये एक संस्था का नाम है, ठीक है। बहरे बच्चों की एक संस्था
जिसका नाम है बिथोन फंड, उसकी एन रिसलिन जो है वह कहती है, सेज कहती है कि सी शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है। शाइनिंग चमकती हुई और इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, कि वह एक चमकती हुई प्रेरणा है किसके लिए, फॉर डीप चिल्ड्रेन मतलब बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वे देखते हैं दैट कि देर इज नो वेयर, कि कोई ऐसा स्थान नहीं है दैट दे कैन नॉट गो, कि जहां पर वह नहीं जा सकते, मतलब जो अपंग बच्चे हैं वह देखते हैं कि नहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर वे नहीं जा सकते। क्या कि एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश मतलब प्राप्त करना, यहां पर मतलब पुरस्कार प्राप्त करना। कह कि एवलिन ग्लेनी ने हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश, पहले ही प्राप्त कर चुका है, वो प्राप्त यहां प्राप्त उपलब्धि को प्राप्त कर चुका ना, मोर देन मोस्ट अदर मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज। कह कि एवलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र से दुगने व्यक्तियों से कहीं अधिक पुरस्कारों को प्राप्त किया है, या ऐसे भी कह सकते हैं चूंकि अकम्प्लिश पूर्ण होना होता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, एवलिन ग्लेनी जो है पहले ही पूर्ण हो चुकी है, मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज, कह रहा है कि अधिकांश लोगों की अपेक्षा जो उनकी उम्र में दुगनी है। था सुहा का मतलब यह है कि एवलिन जो है अपनी उम्र में दुगने व्यक्तियों से भी ज्यादा पूर्ण हो चुकी है, मतलब वह ज्यादा संगीत जानती है। सी हैज ब्रॉट परकसन, कह रहा है कि सी हैज ब्रॉट परकसन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह जो है तालवादन को टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में आगे लेकर आई, वह ऑर्केस्ट्रा में तालवादन को आगे लेकर आई, मतलब उसको जो है प्रमोट किया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और यह प्रदर्शित किया दैट कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत मूविंग हो सकता है, अर्थात यह बहुत मर्मस्पर्शी हो सकता है। सी हैज गिवेन इंस्पिरेशन टू दोज, वह उन लोगों को प्रेरणा दे चुकी थी हु आर हैंडीकैप्ड, जो अपंग थी, हैंडीकैप मीन्स अपंग, वह उन लोगों को प्रेरणा दे चुकी थी जो अपंग थी। पीपुल, करा कि वे लोग हु लुक टू हर, जो उनकी तरफ देखते थे एंड से, और कहते थे कि इफ सी कैन डू इट, यदि वह इसे कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूं। एंड नॉट द लिस्ट, कह कि एंड नॉट द लिस्ट, और कम से कम सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस, कह कि वह जो है सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लीजर, वह बहुत सारा आनंद दे चुकी है टू मिलियंस, लाखों लोगों को, कह और कम से कम वह जो है लाखों लोगों को बहुत सारा आनंद दे चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा पूरा द साउंड ऑफ द म्यूजिक का ये पूरा लेसन रहा, मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।